रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवेंथ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस चैप्टर नंबर सिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग स्टडी करेंगे इस यूनिट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। आपका जो बुक पे केमिस्ट्री का पोर्शन है वहाँ से ये चैप्टर उठाया गया है। बेटा आप लोग जो वीडियो लेक्चर में आप लोगों को भेजता हूँ या आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलता है, आप लोग पूरा लेक्चर देखा करें और इसको समझा करें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हों। वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो आपकी बुक पे ये क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर से दिया होगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए, एटम्स आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम जो है खुद एक छोटा सा पार्टिकल है, लेकिन वो खुद किससे बना होता है, उसके अंदर मजीद छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनको क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस होंगे वो क्या कहलाता है हमारे पास, न्यूक्लियस कहलाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक नियोन एटम का न्यूक्लियस है, हमारे पास नियोन एटम है, ये न्यूक्लियस है ये, और इसमें 10p लिखा हुआ है, 10n लिखा हुआ है। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द अपने शेल्स में मूव कर रहे हैं। ये इनके शेल्स होते हैं, ये गोल गोले क्या है, शेल्स है। इन शेल्स में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, इट मैस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उनका मैस बहुत कम होता है। अब प्रोटॉन, नंबर 2 हाइडिंग देनी है आपने प्रोटॉन की। अब प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, ये जो अंदर 10p लिखा हुआ ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है। 10 प्रोटॉन्स है नियोन एटम में। ये जो प्रोटॉन है क्या कहते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जितने प्रोटॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखें अगर हम इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 ही प्रोटॉन्स हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट हैज अ मैस 1837 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका जो मैस है वो 1837 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मैस से ज्यादा होता है। अ न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, नंबर 3 हाइडिंग आपने देनी है न्यूट्रॉन की। ये देखिए बेटा इसी न्यूक्लियस के अंदर देखिए न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। द न्यूट्रल पार्टिकल इज आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस। ये भी देखिए न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैस तकरीबन क्या होता है, बराबर होता है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एटम जो है वो खुद एक छोटा सा पार्टिकल है, उसके अंदर मजीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कौन कौन से, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर हमने इलेक्ट्रॉन को पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और फिर न्यूट्रॉन पे पढ़ा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है बेटा। और जो न्यूट्रॉन का जो मैस है वो तकरीबन जो है वो प्रोटॉन के मैस के बराबर होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, व्हाई इज एटम न्यूट्रल। एटम जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है, एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम हैव चार्जेस,
बट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है, प्रोटॉन की भी चार्ज है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बट एटम एज अ होल हैज नो चार्ज, एटम का कोई चार्ज नहीं होता इन एन एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, एज अ रिजल्ट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स बैलेंस द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर हो जाते हैं, सो इस वजह से एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 10 प्रोटॉन थे, यानी 10 पॉजिटिव चार्ज थे, 10 नेगेटिव चार्ज थे, दोनों बराबर हो गए, तो एज अ होल एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहीं पे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नियॉन एटम की। देखें ये 10 प्रोटॉन है पर 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर हो गए, तो एज अ होल जो एटम ऑफ नियोन होगा वो क्या होगा, एज अ होल ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे बेटा आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि एटम एज अ होल न्यूट्रल क्यों होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अगर आपको समझ आती है तो कमेंट्स जरूर किया करें, और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।